Hello, welcome to our YouTube channel, Sudhuti Edu Talk. I am a Videshwari Pratap Narayan Singh in Sudhuti Global Academy, PGT teacher, chemistry. Today I will start Haloalkanes and Haloarenes classification. के बाद हमने कुछ बताया था कि आगे का चैप्टर रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग चलेंगे. तो Haloalkanes और Haloarenes में क्या रिएक्शंस हैं उसको हम लोग देखते हैं. ओके हम लोग देखते हैं क्या रिएक्शंस हैं. तो Haloalkanes और Haloarenes से रिलेटेड कुछ रिएक्शन हैं जो हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं आज के दिन. तो रिएक्शन हेडिंग क्या है हम लोगों की, रिएक्शन ऑफ Haloalkanes. इस रिएक्शन को बताने के लिए हम लोग पहले कुछ मेथड्स को देखते हैं जो थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है Haloalkanes को फॉर्म करने के लिए. पहला रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन. तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल. Haloalkanes के लिए हम लोग देख रहे हैं, Haloarenes भी इसमें यूज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है. लेकिन हम लोग पहले Haloalkanes के लिए देखते हैं. पहला रिएक्शन क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल. तो पहले कंसिडर करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन दूसरा था, थर्ड था रिएक्शन विथ मेटल. लेकिन सबसे पहला पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन दी एल्किल हैलाइड देन हैलोजन ग्रुप इज इलिमिनेट देन हैलोजन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूट फ्रॉम दी एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इज फॉर्म्ड. इस रिएक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं देखते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है इसको समझने के लिए पहले हम लोग दो चीज़ जानेंगे, दो थिंग्स को पढ़ेंगे. पहला क्या है इसको समझने के लिए पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल जान लेते हैं. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक species which is containing negative charge. तो ये क्या मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है जो निगेटिव चार्ज को कंटेन करती है. ठीक है इन अनदर वर्ड हम लोग क्या कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल मीन्स attracted towards nucleus. तो हमने क्या कहा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो एक ऐसी स्पेसीज होती है जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती है. हम कह दें न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है. तो कोई भी स्पेसीज न्यूक्लियस की तरफ कब अट्रैक्ट होगी, जब उस पर खुद का चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा. यानी कि न्यूक्लियोफाइल को हम लोग यानी उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव. न्यूक्लियोफाइल समझ लिए. अब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को समझ लें, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव. जैसे कि हम लोग मान लें OH- OR- SH- NH2- ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं जो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करती हैं, ये हम लोग इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे. न्यूक्लियोफाइल
तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग समझ सकते हैं अब क्या, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है कोई तो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को कंसिडर कर लिया, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में भी सेम डिफिनेशन लगभग है, बस उसमें हम लोग क्या चेंज करना है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज विच इज कंटेनिंग, इसका अपोज होगा बस, मतलब कि विच इज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, विच इज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, विच इज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग इसको अनदर वर्ड से क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल फाइल मीन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या मानते हैं इसको कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, हम लोग क्या बोले इसको, इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग के इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल समझ लिए। अब सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल क्या था, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज था जिसपे नेगेटिव चार्ज होता। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दी एल्किल हैलाइड and it is substituted by halogen atom। ये क्या करता है सब्स्टिट्यूट, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है एल्किल हैलाइड से, और जो चीज़ बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ये रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि देखें ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा ये मान लो कौन सा कंपाउंड है, एक कोई एल्किल हैलाइड। ये क्या है, एल्किल हैलाइड ले लिया है, एल्किल हैलाइड, हैलाइड एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया तो यक्स बाहर निकल गया। इसको हमने क्या किया, जो हैलोजन एटम है किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, हैलोजन एटम, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द एल्किल हैलाइड एंड इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। ये किससे सब्स्टिट्यूट होगा, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम हमेशा कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियोफाइल से। और जो चीज़ फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ये प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्या हुआ सी, और यहाँ क्या आके जुड़ गया, ओ एच आके एच अटैच हो गया, किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस एक्स माइनस को उसने बाहर कर दिया। न्यूक्लियोफाइल क्या किया, इस पे आया, अटैक किया कार्बन पे और इसको बाहर कर दिया। क्यों कार्बन पे ही अटैक किया, इसका भी हम लोग देखते हैं, कंसिडर करते हैं क्यों कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि ये हैलोजन एटम कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इस पर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो किससे अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ, पॉजिटिव, कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो अट्रैक्ट होगा तो किसको बाहर करेगा, हैलोजन ग्रुप को वो बाहर कर देगा। तो क्या बचा, ये बचा, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको, हैलोजन एटम को, ठीक। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग दो टाइप और पढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइप्स हम लोग कैटेगराइज क्यों किए गए हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ हम ये देखते हैं कि ये रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं, इसके बेसिस पे हम लोग इसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला न्यूक्लियोफाइल ओएच लिख रखा है,
ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये OH भी हो सकता है, NH2- भी हो सकता है, कोई भी चीज़। तो यहाँ OH की जगह हम लोग क्या कर न्यूक्लियोफाइल भी लिख दें, मतलब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैच हो गया और हाइलोजन को बाहर कर दिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को टू टाइप से कैटेगराइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक आर्डर एंड नंबर ऑफ स्टेप यूज्ड इन द रिएक्शन। मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो टाइप के हम कैटेगराइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स आर्डर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड इन द रिएक्शन। मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैटेगराइज करने के लिए दो बेसिस हम लोग लेंगे, एक की रिएक्शन का आर्डर क्या है, काइनेटिक आर्डर क्या है, और दूसरा क्या हमने बोला कि कितने स्टेप यूज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो टाइप का बनाते हैं। पहला क्या है, पहला टाइप का नाम क्या होता है, पहला टाइप होता है, हटा देते हैं इसको, पहला टाइप का नेम है, पहला इसमें ए पार्ट है SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन। इसका अनदर नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कितना बड़ा नाम है देखो, इस रिएक्शन का पहला टाइप क्या है, SN2 रिएक्शन, इसका नाम क्या, सब्स्टिट्यूशन, यस से सब्स्टिट्यूशन, एन से न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद बाई मॉलिक्यूलर, टू का मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इससे हम लोग क्या देखते हैं, अब न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या देखते हैं, SN2 रिएक्शन का डिफिनेशन क्या हुई, इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन एल्किल हैलाइड इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द एल्किल हैलाइड देन हैलोजन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल बट न्यूक्लियोफाइल एंड ट्रांजिशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड दिस रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन दिस रिएक्शन इज वन स्टेप स्टेप रिएक्शन रिएक्शन एंड काइनेटिक ऑर्डर इज टू। मैंने क्या कहा, इन दिस रिएक्शन, इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा तो हैलाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इसमें क्या फॉर्म्ड होगा, ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ऐसा स्टेट होता है जो बहुत अनस्टेबल स्टेट होता है, थोड़ा भी टेम्परेचर दें तो वो कंपाउंड को फॉर्म कर देगा और ये वीक, इसके बांड बहुत वीक होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बहुत अनस्टेबल स्टेट होता है। ठीक, अब इस रिएक्शन को देखते हैं कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, ये रिएक्शन होती क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक किया, एल्किल हैलाइड पे, इसको सही देखते हैं, हम लोग बनाते हैं CH। अच्छा, ये डैश लाइन का मतलब क्या था कि ये प्लेन से दूर है, हमने ये डैश लाइन का मतलब क्या बताया था, ये हाइड्रोजन दो है वो प्लेन से दूर है, और एक ये डार्ट लाइन जो बताया था ये क्या था, इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन हमारे पास है और ये कौन सा ग्रुप है, X। इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं
तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक किया कार्बन पे और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट से दिखाते हैं। स्टेप कितने यूज होंगे इसमें, स्टेप केवल एक यूज होगा विथ ट्रांजिशन स्टेट। देखते हैं कैसे बना। सी एच जैसा का है वैसा ही है, एच जैसा है वैसा ही है, और इधर क्या हो गया, जैसा है एच वैसा ही है, एच वैसा ही है, और इधर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और इधर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और इधर एक्स माइनस, इधर एक्स, एक्स माइनस क्या हो रहा, रिमूव हो रहा है। ठीक, इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं। इसमें कार्बन कितने बांड बनाया है, वैसे दिखने में कार्बन कितने बांड बनाया है, फाइव बांड बनाया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन कितने बांड बनाता है, चार बांड। तो हमेशा इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट, क्योंकि ये पार्शियली बांड जुड़ रहा और ये पार्शियली बांड टूट रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक हो रहा। तो हम लोग ये क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल आ रहा, अट्रैक्ट हो रहा और एक्स माइनस बाहर चला जा रहा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट अपने सेल्फ रिड्यूस होकर क्या बनाता है, देखिए सी एच एच ये क्या बना दिया, और इधर क्या, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। हम लोग एक चीज यहां देख रहे हैं क्या, और एक्स माइनस बाहर चला गया। एक चीज और हम लोग देखना, वो देख रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस बाहर चला गया और ये एच है और ये एच है, एच न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया तो फ्रंट साइड से अटैक किया, ठीक है, अटैक किया, ये सी एच थ्री इस तरफ था, बाद में जब प्रोडक्ट फाइनल हुआ तो ये इस तरफ आ गया और इसका इन्वर्जन हो गया। देखो एक्स बाहर हो गया यहाँ, इधर से हम लोग जोड़े थे एक्स को, लेकिन अब बांड इसका जुड़ गया, ये बांड टूट गया, यानी कि ये यहाँ इन्वर्जन हो गया। जैसे कि अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला ऐसा होता है उसको बरसात में लेके जाए तो अम्ब्रेला जब इन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। एक तरह से इसका नाम क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं SN2 रिएक्शन का और नाम है, एक अलग नाम है, SN2 इज आल्सो नोन एज कॉन्फिगरेशन ऑफ, कॉन्फिगरेशन ऑफ, कॉन्फिगरेशन ऑफ इन्वर्जन रिएक्शन, कॉन्फिगरेशन ऑफ इन्वर्जन रिएक्शन, इन्वर्जन रिएक्शन, रिएक्शन। तो हम लोग SN2 का एक और नाम क्या दे सकते हैं, इन्वर्जन रिएक्शन। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात ये सोचनी है कि एल्किल हैलाइड में रिएक्टिविटी को कैसे देखेंगे। ठीक, तो हम लोग उसको समझते हैं, यहीं से समझते हैं, रिएक्शन ही समझाएगा हम लोगों को। पहली बात तो इन्वर्जन हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया, ये वाला बांड टूट गया, जिधर बांड था उधर कुछ नहीं रह गया और जिधर नहीं बांड था उधर एक बांड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्ट इन्वर्ट होके ये पूरा प्रोडक्ट मेरा आया और एक्स माइनस बाहर चला गया। ठीक, अब इसकी रिएक्टिविटी आर्डर कैसे देखें, हमने आर्डर क्या देखा, काइनेटिक आर्डर, SN2 का क्या होता है, दो होता है, स्टेप कितने यूज होते हैं, एक यूज होते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, हमेशा इसका SN2 का इन्वर्जन आता, इन्वर्ट होके आता। अब चौथा चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट SN2 के लिए, कि इसका रिएक्टिविटी आर्डर क्या होता है। तो रिएक्टिविटी आर्डर इन दी SN2 रिएक्शन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट इन एल्किल हैलाइड और नॉट। हमने क्या कहा कि हम लोग जो एल्किल हैलाइड है इसमें देखेंगे बल्की ग्रुप है कि नहीं, बल्की मतलब बड़ा कोई ग्रुप। अब ये बताओ, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तीनों छोटे ग्रुप हैं। अगर हम इसकी जगह एक एल्किल ग्रुप ले आ दें तो क्या होगा, जैसे हमने H की जगह मान लो R लिख दिया, तो क्या होगा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से जाके ना अटैक करके वो इधर से करेगा, क्योंकि जब बड़ा ग्रुप कोई दो होते हैं तो उसके बीच न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फैक्टर को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर दो बड़े ग्रुप आ गए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। खैर यहाँ तो एक ही बड़ा ग्रुप है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इन दोनों एच के बीच जाके अटैक करेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं इसके बेसिस पे, एक बार और रिएक्टिविटी आर्डर को देखते हैं, उसके बाद समरी देखते हैं SN2 का क्या है। ठीक, रिएक्टिविटी आर्डर को समझना सबको जरूरी है। हमने जैसे एक कंपाउंड बना दिया, हमने एक कंपाउंड बनाया बहुत बड़ा सा, साइज बन देख रहा हूँ, एक कंपाउंड बनाया H, ये बनाया H,
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डैश लाइन बना रहे हैं और ये डॉट लाइन है। अच्छा, इसको सही समझना हम लोगों को। अब हम कह रहे हैं ये जो एल्किल हैलाइड है इस पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे। तो हम लोग कितने साइट हैं कार्बन को अटैक करने के लिए, एक ये साइट है, एक इधर से भी अटैक कर सकता, एक इधर से भी अटैक कर सकता और एक इधर से भी अटैक कर सकता। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस एच पे कौन सा ग्रुप जुड़ा, अगर बड़ा कोई ग्रुप जुड़ा बल्कि ग्रुप जुड़ा है तो उधर से अटैक नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर जो है उसको रिपेल कर देगा और वो दूसरी साइड से अटैक कर लेगा। हम मानते हैं एच की जगह यहाँ एक हमने आर ले लिया, आर ले लिया, एक एल्किल ग्रुप ले लिया, ठीक। एक एल्किल ग्रुप अगर ले लिया तो इधर से अटैक करेगा नहीं, ये अटैक साइट पॉसिबल नहीं है। इधर से अटैक कर सकता है, इधर से अटैक कर सकता है, चाहे इधर से अटैक कर सकता है, लेकिन ये इधर से अटैक नहीं करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी घट गई ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बन एटम रिड्यूस हो रहा है। इधर से नहीं आ सकता, इसको दूर चल के आके अटैक करना पड़ेगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। अब मान लो हमने कह दिया कि दो एल्किल ग्रुप हमने ले लिया, तो साइड से आने का कोई है नहीं, इधर से तो आ ही नहीं सकता न्यूक्लियोफाइल कैसे भी, ना इधर से आने की कोशिश करेगा क्योंकि ये अकेला एक ग्रुप है। इधर से आ सकता है हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी मेरी दोनों तरफ से इधर से भी घट गई, इधर से भी घट गई आने की, इधर से भी, क्योंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप लग गए हैं। अब ऐसा हम लोग करें तीनों आर ले लें तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि इधर से भी आने की, अटैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए हम लोग रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ SN2 को कैसे देखते हैं, हमने क्या बोला यहाँ रिएक्टिविटी आर्डर। अब हमने क्या पढ़ाया था क्लासिफिकेशन में, एल्किल हैलाइड में जितने एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं वही डिसाइड करते हैं, एल्किल हैलाइड में जितने ग्रुप जुड़े होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि रिएक्टिविटी क्या है। जैसे कि पहले देखियो CH3X, ये एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड, तो इसकी रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन हो जाएगी CH2R X के ज़्यादा हो जाए, कम हो जाएगी। फिर से देखते हैं CR H, ये क्या है X, फिर से इससे सबसे कम किसकी होगी, क्योंकि इसमें तीनों बड़े ग्रुप आ गए हैं एल्किल ग्रुप, तो इसकी रिएक्टिविटी आर्डर डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या है, ये तो मेथिल है, लेकिन क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है जब एक एल्किल ग्रुप अल्फा कार्बन से लगा होता है एल्किल हैलाइड में, उसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हैलाइड, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसमें कितने एल्किल ग्रुप हैं, दो, इसमें कितने एल्किल ग्रुप हैं, तीन, इसमें कितने, एक। तो SN2 का आर्डर क्या हो गया हमेशा, SN2 का आर्डर क्या हो गया मेथिल ग्रुप SN2, रिएक्टिविटी ऑफ ये आर्डर किसका हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ SN2, ये रिएक्टिविटी आर्डर क्या हुआ, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ SN2 क्या हुआ, मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CH3X इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन टर्शरी। टर्शरी में तो लगभग रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती क्योंकि तीनों बल्कि ग्रुप होते हैं, ठीक। अब SN2 का हम लोग समरी देखते हैं क्या क्या SN2 में है, और यही चीज़ हम लोगों को याद रखना। SN2 की पहली समरी क्या हुई, पहला देखते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे SN2 का। SN2 बड़ी रिएक्शन है, SN2 को देखते हैं, पहला क्या हुआ कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो उसका काइनेटिक आर्डर हमेशा इसका दो होता है। कैसे होता है दिखाते हैं, काइनेटिक आर्डर इसका कितना होता है, दो होता है। दूसरा इसका क्या होता है, इसमें स्टेप कितने यूज होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप कितने यूज होते हैं रिएक्शन के, एक होता है। तीसरा क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसके कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चौथा है कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या आएगा, इन्वर्ट। कितने फैक्टराइजेशन तुम देखे, काइनेटिक आर्डर टू स्टेप कितने, वन ट्रांजिशन स्टेट कम हो आएगा इसमें, और आर्डर क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। पांचवा क्या है, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आर्डर ऑफ, यही इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या था, ऑर्डर सी एच थ्री एक्स इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये पांचों फैक्टर लिख लो, ये पांचों फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है एसएन2 रिएक्शन के लिए। ऑर्डर क्या हुआ, दो। ऑर्डर कैसे देखते हैं, जब एल्किल हैलाइड हम लोग जब एसएन2 रिएक्शन कर रहे थे, एसएन2 रिएक्शन में क्या था, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा था, सी एच थ्री एक्स पे, तो हम लोगों का ट्रांजिशन स्टेट बनता था, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन रिएक्टेंट में कितने मालिक्यूल थे, दो। तो रेट क्या हुआ, देखो रेट कैसे हम लोग लिखते हैं काइनेटिक आर्डर का, माइनस डी आर बाई डी टी। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट जब रिएक्शन के बाद घटेगा तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, तो हमेशा यहाँ हम लोग माइनस है। माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कितने प्रोडक्ट हैं, न्यूक्लियोफाइल, दूसरा क्या है सी एस थ्री, न्यूक्लियोफाइल सी एस थ्री एक्स, इस पर कितना पावर है एक, इस पर कितना पावर है, तो ऑर्डर क्या हो गया टोटल, ऑर्डर हो गया टू। काइनेटिक आर्डर क्या हुआ SN2 का, टू। इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं SN2, टू नाम इसका देते हैं। इसी के बेसिस पे, काइनेटिक आर्डर के बेसिस पे दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग SN1। खैर SN2 एकदम सही से हम लोगों ने व्यू कर लिया, इसका समरी लिख लिया, काइनेटिक आर्डर टू स्टेप वन, और ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे, ट्रांजिशन स्टेट इसमें आएगा, इसी के कारण जो इसका कन्फिग्रेशन आएगा हमेशा उल्टा आएगा, इसीलिए हम लोग इसको इन्वर्जन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा पचवा क्या, इसका ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, सी एस थ्री एक्स वन टू थ्री। ठीक, तो ये ऑर्डर याद रहे। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं SN1, SN2 के पास अब देखते हैं SN1, SN2 सही समझ में आ गया, अब SN1 देखते हैं। SN1 में SN1 रिएक्शन SN1, ये नाम से वन है, वन का मतलब क्या हुआ, इसका काइनेटिक आर्डर कितना होगा, एक होगा, इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी एल्किल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो उसमें रिएक्टेंट में दो कंपाउंड हो जाएंगे, आर्डर टू हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इस मेथड में ऐसा सोचना है कि स्टेप में, पहले स्टेप के रिएक्टेंट पार्ट में केवल एक ही कंपाउंड हो, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे, तो इसका हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड आयोनाइज्ड इन कार्बोकैटायन एंड आयोनाइज्ड इन कार्बोकैटायन एंड एन आयन इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन एंड एन आयन इन फर्स्ट स्टेप आयनाइज्ड होगा, तो वो किसके क्या क्या फॉर्म्ड करेगा, कार्बोकैटायन और एनायन को। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये किसके प्रेजेंस में होगा, आयनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ ये चीज़ हमेशा याद रखना, प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है, पोलर प्रोटिक, प्रोटॉन मतलब, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, मतलब कि जिसके पास H प्रेजेंट हो उसमें, जैसे कि हम लोग वाटर ले लें,
वाटर ले लें, एस्टिक एसिड ले लें जो एच प्लस को रिड्यूस करे, एस्टिक एसिड ले लें, एल्कोहल भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, वाटर, एल्कोहल, एस्टिक एसिड हम लोग ले सकते हैं जो एच प्लस आयन को प्रोड्यूस कर सके, उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। इसके प्रेजेंस में हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। और सेकेंड स्टेप को क्या होता है, पहले स्टेप में क्या कहा, आयनाइड होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल वो अटैक किस पे करता है, न्यूक्लियोफाइल इज सेकेंड स्टेप, सेकेंड, आगे क्या लिखे हम लोग, इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कार्बोकेटायन। तो ये दो स्टेप यूज करके जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग SN1 रिएक्शन से समझ सकते हैं। पहले हमने क्या कहा, ये जो पहला स्टेप होता है वो आयनाइजेशन स्टेप होता है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है, ठीक, ये चीज़ होता है। तो हम लोग पहले क्या करें, इसको देखते हैं पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप हम लोग समझते हैं, पहला स्टेप फर्स्ट SN1 में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेप फर्स्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये बताओ, एल्किल हैलाइड हम लोग यहाँ ले लेते हैं CH3CH3X, हम लोग एक ऐसा एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसको स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, किसके प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं इसको, हम ये क्या होगा, अब इसका क्या क्लीवेज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा क्लीवेज, ये टूट जाएगा इधर और ये टूट जाएगा, दोनों अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट जाएंगे। इसका क्या होगा, CH3 प्लस एंड दूसरा किस में टूट गया, एक्स माइनस। यहाँ भी क्या हुआ कि एक्स माइनस बाहर हो गया और ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो फॉर्म्ड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी कैटायन। अब दोनों में फर्क देखना, SN2 में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और एक्स माइनस को बाहर कर देता था, वो SN2 रिएक्शन थी। SN1 में क्या है कि जिसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं और ये कार्बोकैटायन और एनायन भाग में टूट जाता है अपने से, ठीक। अब क्या होता है, कार्बोकैटायन पार्ट जो होता है CH3 वो किससे अट्रैक्ट हो जाता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल पर, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ये क्या हुआ अट्रैक्ट होकर क्या बना दिया, CH3 और यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक। अब हम लोगों को ये क्या था, सेकेंड स्टेप क्या था, जहाँ न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट हो रहा है किससे, टर्सरी कार्बो कैटायन से। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से हम लोगों को समझना है, इस स्टेप में क्या क्या हमें फाइंड करना, पहले तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका आर्डर देख लेते हैं, काइनेटिक आर्डर, ठीक। ये दो स्टेप है, काइनेटिक आर्डर कैसे लिखते हैं, जो पहला स्टेप होता है उसके रिएक्टेंट पार्ट में कितने मालिक्यूल प्रजेंट हैं, ठीक। तो इसका हम लोग लिखते हैं -dr/dt, फर्स्ट स्टेप का यही तो है रिएक्टेंट, dr/dt इज इक्वल टू के टर्सरी एल्किल हैलाइड CH3 का होल थ्राइस CX पे पावर 1। तो इसके पावर कितना है, 1, यानी कि इसका काइनेटिक आर्डर, इस SN1 का क्या होगा, काइनेटिक आर्डर हमेशा 1 होगा। पहला चीज, स्टेप कितने यूज हुए हैं, 2 स्टेप यूज हुए हैं, स्टेप कितने हुए हैं, 2, पहला और दूसरा, दो चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लेकिन SN2 को हम लोग देखते थे तो उसमें इन्वर्जन होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ दो चीज़ होगा, उसको समझना है। अगर हमने एल्किल हैलाइड एक कायरल लिया, अब कायरल और एक कायरल क्या है, ये हम लोग
स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में अभी इसी हेडिंग के बाद समझते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं अगर एल्किल हैलाइड एक कायरल हुआ, हम लोग इस रिएक्शन में क्या सोच लिखेंगे, इन SN1 रिएक्शन, एक नोट करके अगर लिखें, इन SN1 रिएक्शन व्हेन एल्किल हैलाइड इज एक कायरल देन रिटेंशन इज पॉसिबल। अगर ये चीज़ कायरल हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे रेसमाइजेशन इज पॉसिबल, अगर एक कायरल हुआ तो रिटेंशन, कायरल हुआ तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रेसमिंग मिक्सचर इज फॉर्म्ड, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा अगर एक कायरल हुआ तो। तो इस चीज़ को हमें लिखना चाहिए, अगर नोट्स हो तो नोट्स करके लिखते हैं। ये स्टेप को समझते हैं, पहले स्टेप वन समझ लीजिए, स्टेप सेकंड समझ लीजिए। लेकिन जो मैंने बोला है कि इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है, अगर एल्किल हैलाइड एक कायरल हुआ, हमने क्या लिखा, अगर एल्किल हैलाइड एक कायरल हुआ, ये बाद में समझाते हैं कायरल, तो हमारा कन्फिग्रेशन क्या आएगा, रिटेंशन आएगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारा कायरल आ गया, अगर एल्किल हैलाइड कायरल हुआ तो उसमें क्या होगा, डी एंड एल डेक्स्टो एंड लेबो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, जिसके मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कायरल है रेसमाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ को समझ लिए, इसमें क्या क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट क्या हुए, अगर ये कायरल हुआ तो रिटेंशन, कायरल हुआ तो डी एंड एल फॉर्म्ड होगा, जिसको हम लोग रेसमिंग मिक्सचर या रेसमाइजेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों चीज़ का आप समरी हम लोग देखते हैं, SN1 का समरी क्या है, SN2 का देख चुके हैं, SN1 का क्या है। अब एक चीज़ यहाँ, इसका जो केमिकल आर्डर आएगा वो सेकेंड स्टेप डिसाइड करता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप बहुत स्लोवेस्ट स्टेप होता है और वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या था, वो आयनाइजेशन था, तो बहुत स्लो स्टेप होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो। तो हम लोग सेकेंड स्टेप से इसको देखते हैं, रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं। ये टर्सरी एल्किल हैलाइड इसलिए हमने लिया क्योंकि स्टेबिलिटी टर्सरी एल्किल हैलाइड की ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें तीन जगह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा, ठीक। इसमें तो अटैक होने रहा, अटैक होता तो ये दोनों बड़े होते तो इसकी आर्डर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हम लोग इसकी आर्डर को कैसे डिसाइड करते हैं, रिएक्टिविटी आर्डर ये किस पे डिपेंड करेगा कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है। तो स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन होता है, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, बाद में मेथिल हैलाइड होता है। लेकिन मेथिल हैलाइड को एक्चुअली लेते नहीं, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है। तो इसका आर्डर किस पे डिपेंड होगा, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन कैसे डिसाइड होगा, कि जो आयनाइज हुआ था वो टर्सरी था, टर्सरी पहले, फिर से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर से प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन CH3X मेथिल हैलाइड, ठीक। क्योंकि इसकी डिसाइड कैसे होगा डिसीजन, कि कितना स्टेबल कंपाउंड है, एल्किल हैलाइड का जो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो रहा है वो कितना स्टेबल है। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक। तो हम लोग स्टेबिलिटी क्या बताए हैं, रिएक्टिविटी का 3-2-1, फिर से मेथिल हैलाइड, जस्ट SN2 का अपोजिट होता है SN1 का रिएक्टिविटी आर्डर, क्योंकि हम लोग इसमें इंडक्टिव इफेक्ट या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कंसिडर करते हैं, ठीक। अब सारांश इसका पूरा समरी देखते हैं, SN1 का समरी समझते हैं सही से। SN1 का समरी क्या था, पहला SN1 में नाम से हम लोगों को पता था काइनेटिक आर्डर क्या होगा, SN1 का काइनेटिक आर्डर हमेशा SN1 का एक होगा, एक। दूसरा नंबर ऑफ यूज स्टेप कितने यूज हुए हैं इस रिएक्शन में, वो स्टेप हुए हैं दो, स्टेप कितने हुए हैं यूज, इसमें दो स्टेप यूज हुए हैं, और आर्डर क्या है काइनेटिक। तीसरा चीज़ इसमें है कि कार्बोकैटायन यहाँ
कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है। और चौथा, इसमें अगर हम लोग एल्किल हैलाइड एक कायरल लिए तो हमेशा उसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन आएगा, वही आएगा सेम। अगर कायरल तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा और रेशमिक मिक्सचर को फॉर्म्ड कर देगा। ठीक, रेशमिक मिक्सचर को फॉर्म्ड कर देगा। इसके पांचवा क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर को। तो पांचवा देख ले, फिफ्थ क्या था, रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा इसका, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3X। पांचों स्टेप हो गए इसका, हम लोग पांचों स्टेप कर रहे हैं, पांचों थ्योरी इसका सनवन का भी पढ़ लिए। अब क्या आ गया, अगला हेडिंग आ गया, अब इसको हम लोग समझते हैं इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है SN2 SN1 रिएक्शन की। अगर जो हम लोग इसको समझ लिए, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या होता है, अगली हेडिंग क्या है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। इसमें हम एस्पेक्ट क्या होता है SN2 SN1 का, या तो हम लोग कैसे जानेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या कह रहा है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पहले पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिकल में चार पांच पॉइंट पढ़ेंगे। पहला रिटेंशन, पहला कायरल कार्बन, दूसरा इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं ए पार्ट कायरल, दूसरा बी क्या है एक कायरल, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं रिटेंशन, तीसरा हम लोग देखते हैं रिटेंशन, पहला कायरल एक कायरल रिटेंशन, फिर से देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। चौथा हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, फोर्थ पॉइंट देखते हैं रेशमिक मिक्सचर या रेशमाइजेशन प्रोसेस। इतने चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं, एक कायरल क्या होता है, रिटेंशन क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, और एक इन्वर्जन। पचवा क्या हम लोग पढ़ते हैं, इन्वर्जन जो SN2 में आता है इन्वर्जन। अब देखते हैं ये सब को समझने के लिए, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि पोलराइज्ड लाइट के इधर उधर उनका कंपाउंड हो जाता है, इसके कारण उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजमेंट आ जाता है। मान लो कि हमने कहा कि ये पोलराइज्ड लाइट, इधर से एक मिरर हम लोग लगा दिए, इसको मान लो हम लोग लिखें AB, ठीक, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, BA, एथ होगा इसका मिरर का, ये चीज़ जो होगा ये उल्टा होगा ना जस्ट, तो हम लोग इसके कारण देखते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होती है, और जो इससे इन्वर्ट होगा प्रोडक्ट, जो 180 पे हम लोग रोटेट करेंगे उसका प्रॉपर्टी कुछ और होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग सभी को समझते हैं। पहले समझते हैं कायरल कार्बन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक, तो कायरल कार्बन को पहले देखेंगे। ठीक, अब कायरल कार्बन देखते हैं कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों। एस कायरल कार्बन वो कार्बन होता है, कायरल कार्बन और दोज कार्बन विच इज कंटेनिंग ऑल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या ऑल डिफरेंट एल्किल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। तो कायरल कार्बन, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये कार्बन है, ये मान लेते हैं CH3 लिखा है, ये भी CH3 लिखा है, ये भी CH3 लिखा है, ये एक्स
ये एल्किल हैलाइड है, इस कार्बन का ये पहला अल्फा कार्बन जो है इसके चारों तरफ CH3 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 सेम ग्रुप लगे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक कायरल कार्बन है। अगर हम लोग इस CH3 सभी को डिफरेंट कर दें, यहाँ हम लोग कह दें C2H5 लगा है, यहाँ H लगा है, तो यहाँ क्या एथिल लगा, मेथिल लगा, ये क्या हाइड्रोजन लगा है, यहाँ चारों ग्रुप और ये क्या हैलाइड, चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। या दूसरा नाम इसका क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन। ठीक, अब दूसरी चीज़ आ गई, रिटेंशन क्या होता है, इसको हमें समझना है। इसका मतलब क्या होता है, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, फिर से ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, अब कायरल को समझ लिए। ठीक, कायरल को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं रिटेंशन क्या होता है, क्या समझते हैं, रिटेंशन। और इसी के साथ साथ हम लोग रेशमिक मिक्सचर भी समझ लेते हैं, दोनों रेशमिक मिक्सचर को भी हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है। अगर हम लोग इस चीज़ को समझना है, अगर हम लोग कोई ऐसा कंपाउंड लें जो एल्किल हैलाइड एक कायरल का मतलब लेते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड C H, इधर हम लोगों ने ले लिया CH3, इधर ले लिया H3C, इधर ले लिया CH3, इधर ले लिया CH3, ये क्या है, X है, और यहाँ क्या हम लोगों ने ले लिया, H ले लिया। अब ये बताओ, इस एल्किल हैलाइड में दोनों ग्रुप सेम है ना, ये क्या है CH3 और ये भी CH3, ये दोनों ग्रुप सेम है और ये दोनों डिफरेंट है, एक भी अगर ग्रुप सेम हुआ तो हम लोग इसको एक कायरल बोल देते हैं। ये क्या है, एक कायरल। इसको हम लोग मिरर इमेज इसका फॉर्म्ड करें तो इसका मिरर इमेज क्या फॉर्म्ड होगा, देखो XCH और इधर क्या हो गया, इधर आ गया CH3 और इधर क्या आ गया, CH3। ठीक, तो ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे, जो डॉट लाइन है वो इधर है, एकदम मिरर इमेज को हम लोग फॉर्म्ड किए। ये क्या है मिरर इमेज है। तो इसका मिरर इमेज जो फॉर्म्ड हुआ ये हुआ। अब इसको हम लोग 180 पे अगर रोटेट कर दें, कितने डिग्री पे, 180 पे रोटेट कर दें तो क्या फॉर्म्ड होता है, देखते हैं। 180 पे रोटेट कर दिए तो सी, ये क्या हुआ, एक्स, और इसको रोटेट कर दिया 180 पे तो क्या हुआ, ये चीज़ जो है H2 ऐसे ही रह गया, ये क्या हुआ, यहाँ CH3 फॉर्म्ड हो गया और ये क्या हुआ, ये अपना CH3 फॉर्म्ड होगा। इसमें कोई पहले और इसके में अगर हम लोग देखें, इसको ऐसे इस पे ले आके रख देते हैं, इस पे ऐसे ले आके रख देते हैं तो कोई चेंजमेंट आ रहा नहीं, जिधर डैश वाला है, जिधर डॉट वाला है वो CH3 डॉट वाला है, एच यहाँ, यानी कि ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा है। अगर हम लोग इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी इज सुपर इम्पोजिबल ऑन ए। उल्टा भी बोल सकते हैं, ए इज सुपर इम्पोजिबल ऑन सी, यानी ए और सी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है। मतलब ये ऑप्टिकल, ये कौन से कंपाउंड हुए, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुए। मीन्स दैट ये दोनों क्या हो गए हैं कि रिटेंशन, जैसा था वैसे ही रह गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंड कंपाउंड, जैसा था वैसा ही रह गया। रिटेंशन समझ लो, जब सुपर इम्पोजिबल है दोनों तो यानी कि रिटेंशन हो रहा है। इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग ये कंपाउंड हो गया, अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम लोग इन द केस कायरल कार्बन ले लें, कायरल कार्बन कैसे हम लोग ले लें, इसको हम लोग क्या करें,
C2H5 कर दें, ये एथिल हो गया, ये मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया, ये मेथिल हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हैलाइड हो गया। इसको हम लोग अब मिरर इमेज पे देखेंगे, तो ये वाला जो क्या है C2H5 आ गया। अब इसको 180 पे जब रोटेट किए तो दो चीज़ हुआ, C2H5 ये हो गया और ये हो गया CH3। इसको हम लोग क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं, देखो C2H5 रोटेट हुआ कि नहीं। देखो C2H5 पहले यहाँ क्या था, C2H5 ये CH3 हो गया और ये C2H5 हो गया। रोटेशन देखो, ध्यान से देखना, C2H5 यहाँ क्या है, डैश लाइन है, यहाँ भी C2H5 डैश लाइन है, यहाँ C2H5 डॉट लाइन है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 180 पर रोटेट किए तेलकिल हैलाइड तो रोटेट हो गया, ठीक। लेकिन जो ये क्या था, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी इसका मतलब क्या होता है कि प्लेन से दूर है, दूर है मतलब प्लेन के अंदर है, C2H5 प्लेन के अंदर है। इस फिगर में इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, इसको मान लेते हैं हम लोग पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको हम मान लेते हैं आर। तो यहाँ एक चीज़ देखें, पी में C2H5 अंदर है, CH3 ऊपर है, ठीक। अगर हम लोग ये इसका मिरर इमेज बनाएं तो भी वही होगा, अलग नहीं होगा, C2H5 अंदर है, CH3 बाहर है, ऐसे दिख रहा है। देखो ये CH3 है, ये C2H5 है। अब इसको हम लोग 180 से रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, C2H5 जो है वो बाहर आ जाएगा, CH3 अंदर चला जाएगा। इसका कहने का मतलब यही तो है, जो डॉट था, जो डैश लाइन थी वो डॉट हो गई, जो डॉट लाइन थी वो डैश लाइन हो गई, यानी 180 पे ये एकदम क्या हुआ, दो तरह फॉर्म हो गया, ये चीज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। अब इसको हम लोग, इसको ए को, पी को हम लोग, पी को आर पे रखते हैं तो दिख रहा कंपाउंड सेम नहीं, तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, पी इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन, पी इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन, पी इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन आर। तो ये कौन से कंपाउंड हुए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुए जिसको हम लोग डी और एल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे इस कंपाउंड को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव आ गया तो इसको हम लोग, नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकल एक्टिव आ गया, पी आर पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है रख के देखो तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गया जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं SN1 में अगर हम लोग टर्शरी हैलाइड की जगह यही कंपाउंड ले लें एच, C2H5 ले लें और इसको हम लोग क्या लगें, CH3 मान लें और ये X है। तो इसको जब हम लोग तोड़े थे तो ये चीज़ क्या हो गया था, पॉजिटिव और कार्बोकेटान और एनायन में कन्वर्ट हो गया था, इसका कार्बोकेटान और एनायन में C2H5 कन्वर्ट हो गया था, ये क्या हो गया था, CH3, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज और X माइनस बाहर चला गया था। स्टेप सेकंड में हम लोग देखें तो क्या बचा, स्टेप सेकंड में C2H5 और ये क्या हो गया, CH3H पॉजिटिव। इसमें जब न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल दो तरह से ऐड हो सकता, एक फ्रंट साइड ऐड हो सकता और एक बैक साइड अटैक ऐड हो सकता, तो ये दो टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेगा ना। देखते हैं इसको दो टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है कि नहीं। देखो पहला कंपाउंड जो फॉर्म किया C2H5 और ये क्या हुआ, CH3।
पहले फ्रंट साइड से जब अटैक हुआ तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ गया, इधर आ गया, ठीक। दूसरा देखते हैं हम लोग, जब हम लोग इसको बैक साइड से अटैक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो सी एन यू यहाँ आ गया, एच वहाँ का वहीं रह गया, और ये चीज़ क्या हुआ, वो इन्वर्ट हो गया। देखते हैं कैसे हुआ। अब देखो सी टू एच फाइव और ये क्या रह गया, ए सी एच थ्री रह गया। अब देखो अगर न्यूक्लियोफाइल राइट साइड है तो इसको हम लोग डेक्सट्रो बोलते हैं, डेक्सट्रो बोलते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड है, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड है तो इसको लेबो बोलते हैं, लेबो। ये दोनों डी और एल के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक, रेशमिक मिक्सचर। हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर, या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमाइजेशन। यानी कि SN1 में क्या फॉर्म्ड होगा, SN1 में रेशमिक मिक्सचर फॉर्म्ड होगा, और SN2 में क्या फॉर्म्ड होगा, इन्वर्जन फॉर्म्ड होगा। और D एंड L को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रेशमाइजेशन, ठीक। ये चीज़ खत्म हो गया। अब आ गई तीसरी रिएक्शन, क्या बची है, दूसरी रिएक्शन क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को सही समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटेड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन क्या था, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी खत्म कर दिए हम, अब बचा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बड़ी सिंपल रिएक्शन होती है, बस इसको समझना है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में अच्छे से, ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शन में देख लेते हैं हम लोग, इन दिस रिएक्शन बेस इज अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज एलिमिनेट फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब एल्किल हैलाइड, this reaction is possible when alkyl halide is containing at least वन बीटा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, अगर एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन कब पॉसिबल है, अगर एल्किल हैलाइड बीटा हाइड्रोजन कम से कम एक रखे अपने पास, तब इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बीटा से बेस के अटैक के बाद, और अल्फा से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं हम लोग इस रिएक्शन को कि और कौन सी चीज़ फॉर्म्ड होगी, एल्कीन फॉर्म्ड होगी। देखते हैं इस चीज़ को, देखते हैं एक हम लोग एल्किल हैलाइड ले लेते हैं CH, देखते हैं हम लोग इसको। ये देखो ये एल्किल हैलाइड है, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है,
अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के बगल में क्या होता है, ये क्या है, बीटा कार्बन है, ठीक। तो हम लोग इसको हटाते हैं पहले, बीटा कार्बन के पास जो अल्फा एक एच है, बीटा कार्बन के पास एक एच, उसको बेस क्या करेगा, रिमूव कर देगा, बेस एच को रिमूव कर देगा और ये बाड शिफ्ट होकर इस पर आएगा और हाइलोजन ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बच्चा, देखो क्या बच्चा, सी एच एच डबल बॉन्ड सी, यहाँ ऊपर एच बचा, एच बचा और एक ये एच बचा, ये क्या था, अल्फा हाइलोजन था, अल्फा ये क्या था, हाइलोजन था, इसके बगल वाला एक कार्बन अल्फा था और ये कार्बन बीटा था, यहाँ बेस ने हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये बॉन्ड क्या किया, यहाँ रिमूव करके आया और हाइलोजन को ये बाहर एलिमिनेट कर दिया, तो क्या फॉर्म्ड हो गया, एल्कीन फॉर्म्ड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये तो इजी प्रोडक्ट है, लेकिन कोई बड़ा प्रोडक्ट आ जाए तो कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, कोई बड़ा कंपाउंड आ जाए एल्किललाइड का, तो उसको हम लोग सेटजेफ रूल से बनाते हैं और सेटजेफ रूल क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। उस रिएक्शन, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, दिस रिएक्शन किसी, ये रिएक्शन किसमें प्रेजेंस में होती है, एल्कोहलिक, ए एल्कोहली, ए एल सी एल्कोहलिक के ओ एच के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है एलिमिनेशन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, हम लोग बीटा से एच को निकालते हैं और अल्फा से हाइलोजन ग्रुप को रिमूव करते हैं और बीच में अल्फा बीटा के पाई बांड लगा देते हैं, उसको हम, उससे हमारा क्या फॉर्म्ड होगा, एल्कीन फॉर्म्ड हो जाएगा और उसके साथ बी एच ऐड हो जाएगा और एक्स माइनस बाहर मूव कर जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसका बड़ा प्रोडक्ट फॉर्म्ड करने के लिए हम लोग सेटजेफ रूल लगाते हैं। सेटजेफ रूल क्या होता है देखते हैं, सेटजेफ रूल क्या होता है, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल क्या होता है, सेटजेफ रूल, रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन आफ्टर एलिमिनेशन इज डिसाइडेड बाई नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मैंने क्या बोला, इस रूल के अकॉर्डिंग जो एलिमिनेशन के बाद एल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, उसका डिसीजन नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप से हम लोग बताते हैं कि वही प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दिस रूल इन हाइड्रो हाइड्रो हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन इन हाइड्रो हैलोजिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन हाइड्रो हैलोजिनेशन द एल्कीन प्रोडक्ट द एल्कीन प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज कंसिडर मेजर मेजर प्रोडक्ट कंसिडर मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ग्रुप प्रेजेंट नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कीन। मैंने क्या कहा, ये हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा एल्कीन उसका डिसीजन कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर उसमें प्रेजेंट एल्किल ग्रुप से हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन लिख लें और सेटजेफ रूल से करें, जैसे रिएक्शन लिख लिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच टू एक्स, एक कंपाउंड ले लिया हमने, ये भी एक एल्किल हैलाइड है, क्या है, एल्किल हैलाइड है, हैलाइड है। इसकी रिएक्शन अगर जो एल्कोहलिक एल्कोहलिक के ओ एच प्रेजेंट में हम लोग कराएं, मतलब एलिमिनेशन कराएं, तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन कराएं, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ओ एच माइनस किस पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन को ना, देखो सी एच टू
अल्फा कार्बन ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो इसको हम लोग सही से लिखें अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में, तो सी एच एक्स और यहाँ क्या लिखा है H। अब हम लोग ये OH माइनस किस पे बेस अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और X को बाहर कर देगा। तो हमारे हिसाब से प्रोडक्ट क्या बना, एक प्रोडक्ट हमारा बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो प्रोडक्ट बना। पहला एल्किल ये बना, दूसरा क्या बना प्लस CH3। अगर हम लोग इसको यार यहाँ रखते हैं एक सेकेंड, इसको हम लोग अगर एल्किल हैलाइड को यहाँ ले लेते हैं और ये क्या है CH3, ये कंपाउंड लिया है, तो हम लोग इधर से भी अल्फा एच निकाल सकते हैं, बीटा अल्फा एच निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, इधर से भी बीटा एच निकाल सकते हैं, इधर से भी बीटा एच निकाल सकते हैं। तो डिसीजन कौन लेगा कंपाउंड बनने के बाद हम लोग बताएंगे मेजर क्या है। एच इधर से भी निकल सकता है और एच इधर से भी निकल सकता है, दोनों तरफ बीटा है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं अल्कोहलिक केओएस से रिएक्शन करा रहे हैं, एक प्रोडक्ट अगर इधर से बीटा निकालेंगे बीटा एच तो ये वाला फॉर्म होगा, दूसरा निकालेंगे अगर इधर की तरफ से अगर एच को निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब बताना है ये दोनों प्रोडक्ट में मेजर कौन है और माइनर कौन है, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। इसमें क्या लिखा, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप सेट जब रूल का। इसमें कितने एल्किल ग्रुप हैं, एक इधर लगा डबल बॉन्ड के एक इधर एल्किल ग्रुप लगा, एक एल्किल ग्रुप इधर लगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेजर। ये कितना बनेगा, लगभग 81% बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर, ठीक। और ये कितना बनेगा, 19% बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे माइनर। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है जो एथिल है, इसमें दो एल्किल ग्रुप है, दोनों तरफ क्या है पाई बांड के मेथिल है, ठीक। तो हम लोग सेट जब रूल को भी फाइंड कर लिए, जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप पाई बांड के इधर या उधर होंगे उससे डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक। अब एक और रूल बचा है, या तो हम लोग बोल दें इस चैप्टर में नेम रिएक्शन क्या है, लेकिन तीसरा रूल क्या था रिएक्शन बाई मेटल। मेटल से रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो देखते हैं क्या फॉर्म्ड होता है। इसमें पहला रिएक्शन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्म्ड करते हैं, पहले रिएक्शन में हम लोग फॉर्म्ड करते हैं, कैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये एक अलग से कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कैसे फॉर्म किया जाता है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम मेटल के साथ हीट करते हैं, एल्किल हैलाइड को हम लोग मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है, मैग्नीशियम वहाँ इंसर्ट हो जाता है, RMGX फॉर्म्ड कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, या इसको दूसरा नाम हम लोग देते हैं, इसको ये एक आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर RX को हम लोग आर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, मेटल मिल गया तो इसका ये क्या है, एक आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है, ये आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इसमें जब न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं तो इसमें R हमेशा नेगेटिव होता है और MGX को मेटल होने की वजह से इसको हम लोग पॉजिटिव देते हैं, ये इतना याद रखना हमेशा रिएक्शन के लिए आगे। RMGX ग्रिगनार्ड रिएजेंट में R को नेगेटिव देते हैं, MGX को पॉजिटिव देते हैं, ये पहला मेथड हो गया मेटल के लिए। दूसरा रिएक्शन है बूट्स रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है बी पार देते हैं बूट्स रिएक्शन WURTZ बूट्स रिएक्शन। इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन
Boots reaction. In this reaction, similar alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of ether layer then symmetrical alkane is formed. मैंने क्या बोला, इस रिएक्शन में हम लोग सिमिलर एल्किल हैलाइड लेते हैं तो सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म्ड होता है. ओके, तो हमने क्या क्या बोला, इस रिएक्शन में बुट्स रिएक्शन में क्या होगा कि हम लोग सिमिलर एल्किल हैलाइड लेंगे, केवल एल्किल हैलाइड. मैंने क्या बोला, एल्किल हैलाइड नॉट एरिल हैलाइड, सिमिलर एल्किल हैलाइड लेंगे तो क्या फॉर्म्ड होगा, सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म्ड होगा. तो रिएक्शन क्या देखते हैं, मान लेते हैं एक एल्किल हैलाइड RX लिया और यहाँ N ने सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया और दूसरा भी RX ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ईथर लेयर. इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर लेयर तो क्या फॉर्म्ड हो गया, R, ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म्ड हो गया, सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म्ड हो गया, एल्केन फॉर्म्ड हो गया. और इन द क्या फॉर्म्ड हुआ, 2NaX एक एल्किल हैलाइड, एक सोडियम हैलाइड भी फॉर्म्ड हो गया. ठीक, ये रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बुट्स रिएक्शन बोलते हैं. बुट्स रिएक्शन में क्या मैंने बोला कि दो एल्किल हैलाइड, सिमिलर एल्किल हैलाइड जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल ईथर लेयर के प्रेजेंस में तो हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म्ड होता है. इसी के बराबर दूसरी रिएक्शन आती है कि बुट्स फिटिंग रिएक्शन. क्या मैंने बोला, बुट्स फिटिंग रिएक्शन. अगला रिएक्शन क्या है, बुट्स फिटिंग रिएक्शन, इसको हम लोग क्या देते हैं, सी पार्ट, बुट्स फिटिंग रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन one aryl halide is treated with sodium metal in the presence of ether layer, then alkyl substituted benzene is formed. Then alkyl substituted benzene is formed. देखते हैं इस रिएक्शन को फॉर्म्ड. इसमें हम लोग एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, एक एल्किल हैलाइड ले लिया, बढ़िया है, एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड ले लिया, एक एल्किल हैलाइड ले लिया. ठीक, इसमें एक एल्किल हैलाइड ले लिया और दूसरा एरिल हैलाइड ले लेंगे, दूसरा हम लोग एरिल हैलाइड ले लेंगे. एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और एक एरिल हैलाइड लेके देखते हैं. एक एल्किल हैलाइड ले लिया, दूसरा एरिल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग ले लेते हैं, उसके साथ एक हैलाइड ले लेते हैं. ये क्या है, एरिल हैलाइड है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, एरिल हैलाइड हैलाइड. ठीक, इन दोनों को एरिल हैलाइड ले लिया, अब हमें इन लोगों की रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा, बेंजीन रिंग के साथ एक एल्किल ग्रुप फॉर्म होगा और 2NX फॉर्म हो जाएगा. ठीक, तो ये कंपाउंड बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फॉर्म हो जाएगा बुट्स फिटिंग रिएक्शन में. फिर से डी पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, केवल उसका नाम है, डी पार्ट का नाम है, नेक्स्ट रिएक्शन है केवल फिटिंग रिएक्शन. इसका नाम क्या है, केवल फिटिंग रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन बोथ
एरिल हैलाइड बोथ एरिल हैलाइड बोथ एरिल हैलाइड इन दिस रिएक्शन बोथ एरिल हैलाइड बोथ एरिल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ is treated with sodium metal in the presence of ether layer then diphenyl is formed. क्या मैंने बोला? Then diphenyl is formed. बढ़िया. Then diphenyl is formed. अब हम लोग क्या कहते हैं इस रिएक्शन को करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं दोनों केवल एल्किल हैलाइड को लेते हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं दोनों केवल एल्किल हैलाइड को फॉर्म करते हैं, दोनों एरिल हैलाइड लेते हैं. देखो पहला एरिल हैलाइड क्या है, X प्लस एन ए टू एन ए प्लस एक्स ले लिया, तो इसमें क्या हुआ देखो टू एन ए और एक्स निकल गया तो क्या फॉर्म्ड हो गया इसमें, देखो डाइफेनिल फॉर्म्ड हो गया. देखो क्या फॉर्म्ड हो गया, डाइफेनिल बेंजीन रिंग उसके साथ एक बेंजीन रिंग और जोड़ दो तो क्या फॉर्म्ड हो गया डाइफेनिल. इसका नाम क्या है, डाइफेनिल डाइफेनिल. ठीक, बुट्स रिएक्शन बुट्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन तीनों कंप्लीट हो गया. बुट्स रिएक्शन में दोनों एल्किल हैलाइड लेंगे सोडियम के प्रेजेंट में, बुट्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड लेंगे और फिटिंग रिएक्शन में दोनों एरिल हैलाइड लेंगे. सभी रिएक्शन को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर लेयर. सभी में क्या होगा, ईथर लेयर प्रेजेंट होगा. ठीक, ये रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन विथ मेटल. अब अदर कुछ रिएक्शन हैं जिनको हम लोग देखते हैं उन रिएक्शन को कैसे करते हैं. ठीक, एक रिएक्शन है. अब कुछ रिएक्शन और हैं जो इस चैप्टर में हैं, कंप्लीट करते हैं नेम्ड रिएक्शन. कुछ रिएक्शन और हैं इस चैप्टर में, उनको कंप्लीट किया जाता है नेम्ड रिएक्शन की तरह, वो भी हैं अच्छी रिएक्शन हैं. पहला रिएक्शन है क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन ये सब छोटी छोटी रिएक्शनें हम लोग देख लेते हैं. क्लोरीनेशन इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग को क्लोरीन गैस के थ्रू, क्लोरीन गैस बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग को क्लोरीन गैस के साथ HNO के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या फॉर्म्ड हो जाता है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म्ड हो जाता है. बहुत छोटी सी रिएक्शन है और HCl फॉर्म्ड हो जाता है. ऐसे ही एक और रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन नाइट्रेशन लेते हैं. अगर हम लोग नाइट्रेशन में बेंजीन रिंग को कंसंट्रेटेड HNO3 के थ्रू पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या फॉर्म्ड होता है, एक ये नाइट्रोबेंजीन फॉर्म्ड हो जाता है. नाइट्रोबेंजीन फॉर्म्ड हो जाता है और किसी तीनों तरफ क्या इसका नाम होता है, एक नाइट्रोबेंजीन फॉर्म्ड हो जाता है. अगर इसी रिएक्शन को तीसरा देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं, अगर इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं या कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो वो हीट करते हैं तो क्या उस बेंजो सल्फोनिक एसिड फॉर्म्ड हो जाता है SO3H. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजो सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड. ये सब छोटी छोटी रिएक्शन थी, कंसिडर किया जा सकता है इसमें. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसी में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सबसे ज़्यादा, फ्रीडेल FRIEDEL फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन
ये दो टाइप की होती है, लेकिन होती क्या फिडल क्राफ्ट, इसमें हम लोग देखते हैं। इन दिस रिएक्शन फिडल क्राफ्ट, इन दिस रिएक्शन बेंजीन और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड, बेंजीन और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इज ट्रीटेड बेंजीन और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ एल्किल और एरिल हैलाइड, एल्किल और एरिल हैलाइड एल्किल और एरिल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड AlCl3। मैंने क्या बोला, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन ले लें या बेंजीन का कोई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ले लें, तो क्लोरोबेंजीन चाहे आइडोबेंजीन चाहे फिनॉल, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बेंजीन का ले लें, उसकी रिएक्शन एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ ट्रीट करें, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के, तो उसका एक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। देखते हैं ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। अगर वो कंपाउंड एल्किल हैलाइड हुआ तो उस रिएक्शन का नाम होता है, पहला नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग एल्किल हैलाइड को बेंजीन रिंग के साथ किसको ट्रीट करते हैं, एल्किल हैलाइड CH3X कोई भी ले लेते हैं, CH3Cl या कुछ भी, इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो क्या फॉर्म होता है उसके साथ, देखो यहाँ बेंजीन में कोई भी H लगा होता है, H तो प्रेजेंट ही होता, वो HX को क्या करता है, रिमूव कर ले जाता है और CH3 डायरेक्टली वहाँ ज्वाइन हो जाता है, CH3 और प्लस HX निकल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, टॉलुइन फॉर्म्ड हो गया। ऐसे कोई भी हम लोग एल्किल हैलाइड ले सकते हैं जिससे हम लोग ये रिएक्शन करके फॉर्म्ड कर सकते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है इसी से रिलेटेड, दूसरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एसिल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक। बेंजीन रिंग को हम लोग क्या करते हैं, दूसरी रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिल हैलाइड लेते हैं, बेंजीन रिंग ले लिया, इसके पास बेंजीन रिंग के पास यहाँ एच तो होगा ही, लेकिन इसको रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें एच क्या करेगा, Cl से Cl बाहर हो जाएगा, हम लोग ले लेते हैं इसको बाहर, यहाँ HCl हमने फॉर्म्ड कर दिया। अब इस पर क्या बचा, बेंजीन रिंग, इससे क्या जुड़ गया, CO बेंजीन रिंग यहाँ नीचे क्या जुड़ गया, COR बेंजीन, COR एक एसिल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। लेकिन इसका इंटरप्रेशन कुछ है जिसको हम लोग देखते हैं।
इसका एक कुछ इंटरप्रिटेशन है जिसको हम लोग देखते हैं कि अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन, मैंने क्या कहा था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, वो रिएक्शन होती है जिसमें बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को हम लोग एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड अब कंपाउंड लेते हैं, अभी तक तो बेंजीन लिया था, अब बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का केस देखते हैं। उसमें एक रूल को याद रखना हमेशा, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का मतलब एक बेंजीन रिंग है उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप जी लगा हुआ है। मान लेते हैं ये कोई फंक्शनल ग्रुप जी लगा हुआ है, ये जी के प्रॉपर्टी ही डिसाइड करेगी कि इसका कॉर्नर क्या क्या नेम रखता है, ठीक। तो जी के जस्ट बगल वाला होता आर्थो, इधर भी आर्थो, इसके बाद मेटा, इधर भी मेटा, इसको क्या बोलते हैं, पैरा, पैरा, मेटा, आर्थो, इसको बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं मेटा। तो जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बगल वाला आर्थो, बाद में मेटा, फिर पैरा, उधर भी ऐसे आर्थो मेटा पैरा। तो इसका डिसीजन ये जी ग्रुप ही करता है। जी क्या क्या, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, ट्रिक है, इम्पॉर्टेंट ट्रिक, इसको हमेशा के लिए आप लोग याद रखेंगे। कैसे, देखिए जी जो होता है, जी क्या डिसाइड करता है, अगर जी, जी की कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है इफ जी हैज एट लीस्ट वन लोन पेयर देन इट इज ओ पी डायरेक्टिंग ग्रुप GROUP। हमने क्या बोला, अगर जी के पास एक भी लोन पेयर हुआ तो वो ओ पी डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। दूसरा, इफ जी हैज नो लोन पेयर then it is meta directing group। तो ये दो रूल, सबसे अच्छी ट्रिक है, अगर बेंजीन के ग्रुप, बेंजीन पे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है जिसके पास लोन पेयर है वो हमेशा ओपी डायरेक्टिंग होगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसके अलावा कोई रूल पढ़ना नहीं है, इसके बेसिस पे हम 3-4 रिएक्शन कर लेते हैं और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन लगाइए और पूछिएगा यूट्यूब के चैनल पर। अब देखते हैं इसका 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या कहा, जी के पास अगर लोन पेयर है तो ओपी, नहीं है तो मेटा। इसका 3-4 केस ले लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं और चैप्टर को आज ही फिनिश करते हैं, ठीक है, ओके। चैप्टर को हम लोग आज फिनिश करते हैं, ले लेते हैं 3-4 रिएक्शन। पहला ले लिया क्लोरीन, दूसरा ले लिया टॉलुइन, तीसरा ले लिया फिनॉल। अब तीनों रिएक्शन को करते हैं। पहला रिएक्शन में हम लोग लिखते हैं CH3CH2Cl ले लिया, Br ले लिया, चलो CoBr ले लिया, ठीक। इसको ले लिया हम लोगों ने तो Cl, इसको हम लोगों ने ले लिया तो क्या देखा, इस पे लोन पेयर है कि नहीं, क्लोरीन 17th ग्रुप में होता है तो कितने लोन पेयर हैं इसके पास, 7 लोन पेयर है, एक ले लिया तो यानी कितने, ये बाढ़ में आ गया तो कितने लोन पेयर हैं, 6 लोन पेयर। हमें एक ही लोन पेयर हो तो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ओ पी, यानी कि
क्लोरीन तो पहले से ही था, इस पर ओपी क्या लगा, सीओ सी एच टू सी एच थ्री, ठीक। और एक प्रोडक्ट और कौन सा बनेगा, पैरा वाला, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी सी एल, यहाँ पैरा में क्या लगेगा, सीओ सी एच टू सी एच थ्री, ठीक। सेम ऐसे इसको भी देखते हैं किसके प्रेजेंस में, एन हाइड्रस हाइड्रस ए एल सी एल थ्री, ये भी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, इससे हम लोग करा दें क्लोरोबेंजीन से, देखते हैं क्या होता है। इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएं तो क्या करेंगे, आर्थो और पैरा से निकाल देंगे, तो बनाते हैं हम लोग, देखो CH3 आर्थो पे बेंजीन रिंग लगा दिया और एक बार पैरा पे बेंजीन रिंग लगा दिया, क्या किया, एक बार पैरा पे, नहीं इसमें कोई लोन पेयर है, नहीं लोन पेयर है, तो एक ही डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, बना दिया मेटा डायरेक्टिंग। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ फिनॉल है, इसमें लोन पेयर है, यहाँ कोई लोन पेयर था, नहीं था, कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट थे, तो यहाँ भी कितने हुए, चार लोन पेयर हैं, तो हम लोग इसमें क्या, दो लोन पेयर हैं, इसमें हम लोग भी मान लो रिएक्शन करा दिए सी एच थ्री एक्स से, तो क्या हुआ, एच एक्स तो फॉर्म हो गया, चलो ठीक है। अब पहला प्रोडक्ट आर्थो बनेगा, दूसरा पैरा, बनाते हैं। पहला फिनॉल लिया OH, इसको CH3 से पहले आर्थो बना दिया, फिर से यहाँ क्या किया हमने, CH3 OH, यहाँ क्या बना दिया, CH3 पैरा बना दिया, ये कंप्लीट हो गया। देखो जब लोन पेयर है तो OP डायरेक्टिंग ग्रुप दोनों पे बन रहा है, देखो कंपाउंड आ रहा है ये ग्रुप, अगर इसमें लोन पेयर नहीं है तो मेटा पा गया, अगर लोन पेयर है तो आर्थो पैरा पा गया, ठीक। ओके, थैंक यू, चैप्टर इज फिनिश, थैंक यू, चैप्टर इज फिनिश, थैंक यू।